पटना के मलाही पकड़ी में सैकड़ों की संख्या में गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि मंगलवार को ही झड़प में पुलिस की पिटाई से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कल कलश स्थापन है जिसके बाद माँ दुर्गा की पूजा अर्चना भी विधिवत शुरू हो जाएगी। इसे को लेकर विभिन्न मंदिरों और उसके रास्ते की साफ सफाई से लेकर अन्य कार्य शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में सदर थाना क्षेत्र के करिहो दुर्गा मंदिर के इर्द गिर्द गंगा सर्वोदय विकास संस्थान के द्वारा करिहो स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से पटेल चौक तक साफ सफाई को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि बापू के स्वच्छता मिशन के पीछे उनकी व्यापक सोच थी। उनकी स्वच्छता का मकसद केवल गंदगी नहीं बल्कि मानसिक गंदगी को भी साफ करना था। उन्होंने इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया था। पूर्व उप मुख्यमंत्री हम के मुखिया जीतनराम मांझी ने आरजेडी सुप्रीमो पर ट्वीट कर हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद जी जब आप बिहार के अघोषित सीएम थे तब मैंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को सम्मान दिलाने के लिए कई बार आपसे अनुरोध किया और आपका जवाब था मुसर कुर्सी पर बैठे लाहू मांझी जी। खैर आज जीतन के डर से ही सही पर अब आपने मुसर को सम्मान देना तो शुरू किया है, ये डर अच्छा है। सब्जी की खेती के लिए बिहार में मशहूर वैशाली जिला किसान को भारी वर्षा ने काफी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी का फसल बर्बाद हो गया। यहां किसान अद्यतन सब्जी का खेती बड़े पैमाने पर करते हैं लेकिन जो कुछ सब्जी का खेत बचा है उन किसानों का कहना है कि वर्षा से सब्जी के उत्पादन में काफी कमी आई है। अरली परवल की खेती करने वाले युवा किसान ने बताया कि वर्षा से भारी नुकसान हुआ है मगर जो बचा है उसमें फसल कम लग रहा है। नरकटियागंज प्रखंड के केहुनिया रुआरी पंचायत के आरएन हाई स्कूल केहुनिया के प्रधान शिक्षक ठाकुर अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के भवन के लेआउट के पर्यावरण विभाग से बिना अनुमति के ही हरा पेड़ कटवा दिया है। एक तरफ सरकार वृक्षारोपण के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन दे रही है कम से कम एक प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष लगाए ताकि लोगों को शुद्ध हवा मिल सके, वहीं दूसरी तरफ विद्यालय के प्रधान शिक्षक मुन्ना ठाकुर द्वारा 3 हरा पेड़ को बिना अनुमति को कटवा दिया गया जिसको लेकर ग्रामीणों ने जब विद्यालय के प्रधानाचार्य मुन्ना ठाकुर से पूछने के लिए गए तो प्रधानाचार्य ग्रामीणों पर आग बबूला हो गए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करीब 90 सालों से शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की वेदी पर प्रतिमा को विराजमान कर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा की शुरुआत सरदार पंडा भवा प्रीतानंद ओझा ने 1931 में प्रारंभ किया था। इस पूजा को अपने आवासीय परिसर में करते थे जो कि वर्तमान में अब इस परिसर में मंदिर का कार्यालय संचालित होता है। वहीं कार्यालय के पीछे सरदार पंडा का आवास है। पूजा पूरी तरह से तांत्रिक विधि से होती है। इस मंदिर में पहले किसी आम लोगों को पूजा करने का अधिकार नहीं होता था। महल्या के अवसर पर मंदिर कार्यालय में बने हवन कुंड की सफाई कर पहले पूजा के दिन से ही हवन कुंड में सरदार पंडा तांत्रिक विधि से हवन करते थे। जब पूरे नवरात्र तक कनिल पुष्प से हवन कुंड में आहुति देकर हवन किया जाता है। पूरे नवरात्र तक हवन कुंड का द्वार खुला रहता था। वर्तमान में भी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। वहीं माता की पूजा वर्तमान के सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा करेंगे। वहीं सरदार पंडा को पूजा कराने के लिए आचार्य के तौर पर स्टेट पुरोहित सरदार पंडा के कुल पुरोहित श्रीनाथ पंडित पूजा की पद्धति को पढ़ेंगे। वहीं उपचारक भक्तिनाथ फलहारी अपने पूर्वज की परंपरा का निर्वहन करते हुए पूजा को संपन्न कराने में पूरे नवरात्र तक मंडप में मौजूद रहेंगे। हर दिन रात माता को छप्पन भोग और आरती के बाद पूजा का को विश्राम दिया जाएगा। सारण जिला के युवकों ने मानवता की सेवा में बड़ा मुकाम हासिल किया है। सदर अस्पताल छपरा के ब्लड बैंक में रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान का अनोखा काम अंजाम दिया गया है। छपरा के एक नवगठित गैर सरकारी संस्था के बैनर तले युवकों ने 85 यूनिट ब्लड दान किया। इसके पहले आईटीबीपी और अन्य सैन्य बलों के द्वारा 70 यूनिट का रिकॉर्ड था जिससे मंगलवार के दिन तोड़ते हुए युवाओं ने देर रात तक 85 यूनिट का नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। दुर्गा पूजा मनाने को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन जारी होने के बाद मूर्ति बनाने वालों के समक्ष परेशानी उत्पन्न हो चुकी है। इसको लेकर मूर्तिकार परेशान हैं और राज्य सरकार से मूर्ति की हाइट को लेकर राहत देने की मांग कर रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि झारखंड सरकार से तो बेहतर बंगाल सरकार है जो मूर्ति की हाइट को लेकर किसी तरह का कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रखा है। आरा में उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के जगजीवन हॉल्ट के समीप मंगलवार की देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने दो लोगों को गोली मार दी। इसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया जिससे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मृतक उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के गजराजगंज जोपी अंतर्गत चौकीपुर गांव निवासी बसंत पासवान का 32 वर्षीय पुत्र सोनू पासवान है जबकि सख्मी उसी गांव के निवासी नथनी चौधरी का 34 वर्षीय पुत्र अनिल चौधरी है। दोनों पेशे से वाहन चालक है। इधर जख्मी अनिल चौधरी ने बताया कि वह दोनों देर शाम तक जब
जगजीवन हॉल्ट पर टहल रहे थे, तभी चार की संख्या में हथियारबंद अपराधी वहां आदम के और सोनू पासवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान उसे दो गोली लग गई। उसे बचाने के लिए अनिल चौधरी गया और उनका विरोध करने लगा तो हथियारबंद अपराधियों ने भी उसे गोली मार दी, जिससे दोनों जख्मी हो गए। आनंद फानंद में दोनों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया जा रहा था, तभी सोनू पासवान ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बावजूद इसके परिजन दोनों को सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि जख्मी अनिल चौधरी को प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजन उसे शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। भागलपुर के नौगछिया पंचायत में मुखिया पद से नामांकन की तैयारी कर रहे अभिषेक कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल अवस्था में परिजनों ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि जब मुखिया प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने बाद अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, तभी पहले से ही घात लगाकर बैठे तीन अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें अभिषेक कुमार को दो गोली लगी। घायल का कहना है कि 3 साल पहले उसके पिता की भी हत्या की गई थी। चुनाव में खड़ा होने की वजह से विरोधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दानापुर के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ बीजेपी बिहार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर सेवा ही समर्पण अभियान के अंतर्गत 1971 के युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। 1971 के युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर दर्जनों पूर्व सैनिक के अलावे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सदस्यगण मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों को सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के एक सदस्य ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री मिला है तो वह नरेंद्र मोदी हैं, जो सिर्फ जनहित में ही सोचते हैं। बेरो के चानू थाना क्षेत्र के हर्रा गांव में देर रात उग्रवादी संगठन ने रामपाल सिंह के घर में फायरिंग की। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना से रामपाल सिंह का परिवार दहशत में है। रामपाल सिंह के घर के बाहर TSPC संगठन के नाम पर पोस्टरबाजी करने का भी आरोप है। पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोखा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार रामपाल सिंह को 2 अक्टूबर से धमकी मिल रही थी। आरा में उदवंत नगर थाना क्षेत्र के जगजीवन हॉल्ट के समीप हथियारबंद बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी। इसमें एक ही घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बगामे नगर थाना के पाकिस्तानी टोला में बाइक सवार अपराधियों ने किराना दुकानदार अंकित अग्रवाल को गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। घायल को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवादा में हिस्सा प्रखंड के राजगीर रोड स्थित पैराडाइज पेट्रोल पंप के निकट 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं इकबाल सरदार और मोहम्मद जाहिद का पैर फ्रैक्चर हो गया। 4 लोगों को एम्बुलेंस से हिस्सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। नगर परिषद फुसरो के सफाईकर्मी के हड़ताल पर चले जाने के कारण पिछले 6 दिनों से नगर परिषद क्षेत्रों में गंदगी फैली हुई है। चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्लों में जगह जगह कचरा जमा होने लगा है। जमा कचरा होने से बदबू से मोहल्ले वासियों की परेशानी बढ़ने लगी है। बुधवार को भी हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में डटे रहे। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के नगर अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि फुसरो नगर परिषद के सफाईकर्मी और वाहन चालकों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वह काम पर नहीं लौटेंगे। सिल्ली में तमाड़बुंडू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिल्ली के आसू कार्यालय में आसू पार्टी का दामन थामा, जिसकी सदस्यता आसू पार्टी के सुप्रीमो और सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इस मौके पर सुदेश महतो ने आसू पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात कही। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए पार्टी के हित में कार्य करने की बातें कही गई। रांची खिलाड़ी को रांचल क्षेत्र में सुबह सुबह घना कोहरा छा रहा है। कुहासा होने कारण सिसेल की इनकी एरिया और पिपरवार एरिया में कोयले की ढुलाई करीब 3 घंटे तक बंद रही। इधर घना कोहरा होने के कारण रेलवे साइटिंग में भी कोयला लोडिंग का कार्य प्रभावित रहा। दुर्गा पूजा को लेकर उपराजधानी दुमका में खरीदारों की संख्या बाजारों में बढ़ गई है। कपड़ा दुकान से लेकर पूजा सामग्री की दुकान तक भीड़ देखी जा रही है। सरसा में बेखौफ हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने विशाल ट्रेडर्स के कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र के कहरा शहीद रमन गैस गोदाम के समीप की घटना बताई जा रही है। गढ़वा जिले में बिचौलिए और अधिकारियों के मिले भगत के चलते लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामला जिले के धुरकी प्रखंड का है, जहां मनरेगा के तहत नलकूप लगाने के लिए साल 2018 में ही सरकार की तरफ से वित्तीय मदद मिली थी। सरकार की तरफ से जारी सहायता राशि को लाभुक के खाते में भी जमा कर दिया गया था, लेकिन निर्माण से पहले ही लाभुक के खाते से कमीशन की राशि निकाली गई और कमीशन काटकर सहायता राशि को लाभुक के खाते में जमा करा दिया गया।
दुमका में शिकारी पारा प्रखंड में शेरपुर के ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। दरअसल कुछ दिन पहले दुकानदारों ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें दुकानदार की शिकायत की गई थी। बाद में उपायुक्त के आदेश पर मामले की जांच की रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दिया गया, लेकिन अब तक दुकानदार पर कार्रवाई नहीं हुई है, लिहाजा ग्रामीणों में आक्रोश है। हजारीबाग में कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बांधदाग में बनी कोल साइडिंग के विरोध में कई गांवों के हजारों लोग एकजुट हो गए हैं। बांधदाग बांका कटमंग दाग और कुसुम्बा के ग्रामीणों ने प्रभावित किसान बेरोजगार संघर्ष समिति के नेतृत्व में आवाज बुलंद की।